इस वक्त हम मांडोठी में हैं और आज 15 अगस्त है और वैसे भी मांडोठी आना एक अनूठा एहसास होता है अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न है हमारे भाई नीलेश दलाल उर्फ सांडू, जो पहली बार युवा सरपंच यहां से बने थे और उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया और नशे को लेकर पूरे मांडोठी गांव से जो स्कूली बच्चे हैं और हरियाणा पुलिस का उसमें खास तौर से योगदान रहा, ये रैली निकाली गई है। नीलेश भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो मांडोठी हमेशा से देशभक्ति से सराबोर रहा है, चाहे वर्ल्ड वार वन की बात हो, टू की बात हो, करगिल युद्ध की बात हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया है, तो इसके पीछे ये सोच आपकी कहाँ से आई कि ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रवीण जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव से डॉक्टर महेश जी है जिन्होंने एक शहीद नमन स्थल बना रखा है, जहाँ पर मतलब हर एक शहीद की उन्हें चित्रकारी की अपने खुद अपने हाथों से। उसके बाद वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि अगर वो खुद अपने लिए टाइम निकाल रहे और प्रयास कर रहे हैं शहीदों के लिए, उसको देखते हुए मुझे भी लगा कि मुझे भी क्यों ना मतलब कुछ हटके करना चाहिए। वैसे तो पिछले 3 साल से लगातार हम 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ था उसके बाद ही हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। और देखिए, आने वाली नौजवान पीढ़ियों को भी शायद प्रेरणा मिलती है कि ऐसी माटी में हमारा जन्म हुआ है, तो प्रेरणा भी मिलती है शायद नौजवान बच्चों को आने वाली पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सर जो हमारे चौकिनचार साहब है उन्होंने बड़ा प्रयास किया नशे के खिलाफ भी, और वो मतलब मुझे भी प्रेरित करते हैं, कई दफ़ा हम मतलब अकेले होकर मीटिंग करते हैं इस चीज़ को लेकर के। नशा वाकई में एक समस्या है, वो इस क्षेत्र में है, वो धीरे धीरे बनती जा रही थी, तो एक सरपंच होने के नाते बड़ी अच्छी पहल है, नशे को ऐसे रोका जा सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि नशे पर रोकथाम आखिरकार कैसे लगाई जाए? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से हम लगातार रैली करते आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और घरों पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और यहाँ तक चौकिनचार साहब ने बोला कि कोई नशे जूझ रहा है और उसमें कुछ मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मांडोठी में बदलाव तो आ रहा है, जैसे संभावना थी कि अगर आप चुने जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया है वो मिलेगा, तो बदलाव आ रहा है मांडोठी में भी काफ़ी सारा। सर देखिए, हमारे पास बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, जैसे कपिल जी है, संजय जी है, उन्होंने एक अपनी खुद की कमेटी बना रखी है, उसमें हमारे बहुत सारे युवा साथी है जो शिक्षा को लेकर के मदद करते हैं। उसके बाद नशे को लेकर के जो हमारे चौकिनचार साहब है वो मदद करते हैं, उनकी एक अलग सी टीम है और मैं उन दोनों टीमों में इन्वॉल्व हूँ, जैसे भी उनको मेरे से मदद चाहिए होती है, जो भी बात होती है या फिर मुझे उनकी मदद चाहिए होती है, मैं उनके साथ जाता हूँ। आगे क्या क्या आगामी सोचा है, क्योंकि देखते रहते हैं आपको, अधिकारियों से आप मिलते रहते हैं, गांव की जितनी भी समस्याएं, तो ये 15 अगस्त है कि अगला 15 अगस्त होगा, तो इस बीच क्या बदलाव है वो आप कर पाएंगे गांव के लिए? इस बीच जो गांव के जो मुख्य कार्य है उम्मीद करता हूं कि वे संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद नशे में जो पिछले कुछ वर्षों से गिरावट आ रही है, जैसे पुलिस प्रशासन बदलने के बाद या फिर जो भी चल रहा है, जो मतलब हम सारी बात तो खुल के बता नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रयास चल रहे हैं हमारी ओर से, तो रच बस गए दोबारा मांडोठी में, अब शायद ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम तो नहीं है, भाग गया ये। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही नारा दिया गया था कि अपनी मिट्टी अपना देश, आपको उस बात से ही समझ लेना चाहिए। तो ये नीलेश भाई हैं, अब हरियाणा पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करता हूँ, जो सिटी इंचार्ज हैं यहाँ के मांडोठी के, उनसे मैं बात करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, हरियाणा पुलिस है अक्सर अभियान चलाती रहती है, ये अपने आप में बेहद अनूठा है कि जो नई पीढ़ियां हैं उनको एक ऐसी मतलब एक शिक्षा दी जाए कि नशे से दूर रहना है, तो ये आइडिया कहां से आया आपको? देखिए, हमारे एसपी साहब हैं श्री अर्पित जैन, आईपीएस पुलिस अधीक्षक झज्जर, उनके मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ इस प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। उनकी बिल्कुल साफ हिदायत है कि जिले में कहीं भी नशा किसी प्रकार से भी किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, जितना भी हो समाज को ऊपर ले जाने के लिए, नशे का खात्मा करने के लिए ये इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और आप लोगों का भी इसमें सहयोग है। आज देखो गांव मांडोठी में स्कूल के बच्चों का, पूर्व सैनिकों का और आम आदमी का इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये इन नकर रखा, ये देखो आप एक बार, बहुत बढ़िया। बतौर एक अधिकारी आपकी काफ़ी तारीफ हो रही है, आप मांडोठी के चौकी इंचार्ज हैं, बतौर एक अधिकारी आपकी तारीफ है, वो लोग भी कर रहे हैं, सरपंच साहब भी कर रहे हैं, तो इमेज आपकी बेहतर है ग्रामीण लोगों के बीच में। देखो जी, ईमानदारी से काम करके ना और समाज को ऊपर ले जाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, जब हम अच्छे काम करेंगे तो समाज में अपने आप एक मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल बात करें, बिल्कुल धन्यवाद जी, मेहरबानी। तो देखिए, एक बड़ी अच्छी पहल है जो गांव के सरपंच हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने मिलके बड़ी बेहतरीन पहल है यहाँ पे की है। बिल्कुल बिल्कुल, रैली है वो पूरे गांव में है, वो निकाली जा रही है। अब देखिए कि
काफ़ी बेहतर है वो हो जाता है इस तरह के प्रयासों से। गांव के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सम्मान किया गया, और उसके बाद जो नए बच्चे बैठे थे तो जैसे वो भूतपूर्व सैनिक थे वो नई आने वाली पीढ़ियों को बता रहे थे कि किस तरीके से हम वर्ल्ड वार वन में लड़े, टू में लड़े, करगिल में लड़े। तो क्या है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ना उनको पता चलता है कि ऐसे पूर्वज हैं हमारे, ऐसे बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो प्रेरणा मिलती है ख़ासतौर से। और नशे को लेकर अगर इस तरह के पहल है वो पूरे झज्जर ज़िले, पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर इस तरह की गाँवों में रैलियाँ निकाली जाएँ, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो, चाहे 26 जनवरी के अवसर पर हो, तो जो आने वाली नस्लें हैं ना अगर उनके बीच में इस तरीके का प्रचार किया जाए कि नशे से दूर रहना, नशा नहीं करना है, तो उस पर है वो काफ़ी हद तक अंकुश या पूरी तरीके से उसका खात्मा है वो किया जाता है। मांडोठी गांव ने आज एक बेहतरीन शुरुआत की है। धन्यवाद।